आज अपन क्या सीखेंगे, मेगर के बारे में सीखेंगे, ठीक है? यस सर। मेगर दिखने में ऐसा होता है, ये दो प्रकार का होता है, डिजिटल और एनालॉग। एक हैंडल वाला भी होता है, हैंडल को घुमाते हैं लगभग 160 आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट होता है। इस मेगर के द्वारा अपन केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, उसका पता लगा सकते हैं। या कि या वो इसके अलावा क्या कह सकते हैं अपन कि जो केबल कहीं से ओपन तो नहीं होगी, कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है, उस चीज का अपन पता लगा सकते हैं। मेगर जो होता है इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में बताता है। मेगा ओम जानते हो, यहां आप देखो एम और ओम का निशान है। एम का मतलब मेगा, और ये किस टाइप का यंत्र है कोई बता पाएगा? डिजिटल नहीं, एम आई टाइप है या एमसी टाइप, ये बताओ। गलत, एमसी टाइप, मूविंग कॉइल प्रकार का है, केवल डीसी पर वर्क करता है, इसीलिए तो इसको काम में लेते हैं, तो किसी प्रकार की सप्लाई अपन को जरूरत नहीं होती है। इसको यूज करेंगे सप्लाई को हटाने के बाद, सर्किट की मेन सप्लाई को अपन डाउन कर देंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे। और इसको यूज करने से पहले क्या सावधानी बरतेंगे कि इसकी जो दोनों ये प्रोब्स हैं इसकी, इन दोनों प्रोब्स को मैं इस तरह से लगाने के बाद कभी भी इन दोनों को एक ऐसे हाथ में पकड़ के यूज नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे को क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अभी तो नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि मैंने पुश बटन इसको प्रेस नहीं किया, इसको सप्लाई चालू नहीं की। जैसे ही मैं इनको पकड़ूंगा ऐसे और यहां से दबाऊंगा तो मेरे को झटका महसूस होगा, ऐसा अपन ने अभी चेक कर लिया, ठीक है? तो ये तो था अपना मेगर, ये इसकी डिस्प्ले होती है, मेगा ओम में दिखाएगा। इसकी स्केल पर एक साइड तो अनंत बना है और एक साइड जीरो बना है। देखो स्केल पर अनंत, अनंत का सिंबल जानते हो आप? पेन कहां है अपना? पेन देना मेरे वाला, ये देखो अनंत का सैंपल इस तरह से होता है, ठीक है, जो कि इस साइड से बना हुआ है और ये जीरो है। अब इसको यूज में लेने से पहले क्या करेंगे, ये अपना जो प्रतिरोध है मेगा ओम में दिखाएगा ज्यादा। कोई भी चीज अपन चेक कर रहे हैं उसका प्रतिरोध यदि इसकी निर्णय इधर रहेगी, यानी कि अनंत की तरफ रहेगी, तो वो चीज सही मानी जाएगी। जैसे ही इधर जीरो होगी वो खराब मानी जाएगी। कैसे है एक बार प्रैक्टिकल व्यू में देखेंगे, समझ रहे हो ना? तो सावधानी मैंने बता दी इसको किस तरह से, दोनों को अपन को कभी भी ऐसे हाथ में लेकर के इसको पुश बटन नहीं दबाएंगे, अदरवाइज अपन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है? इसके अलावा हैंडल वाला भी आता है, उसको लगभग 160 आरपीएम पर घुमाया जाता है। तो इसका यूज करते हैं, ये अपने पास एक आर्मर्ड केबल है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि आर्मर्ड केबल जो है शॉर्ट सर्किट कैसे जांच होगी। सबसे पहले टेस्टिंग कौन सी करेंगे? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, चारों तारों में से कोई सा भी दो तार है आपस में टच हो जाए। जैसे ये है दो फेज आपस में टच हो जाए, या एक फेज एक न्यूट्रल टच हो जाए, तो वो किस तरह से अपना होगा। जैसे मान लो ये अंडरग्राउंड केबल है, दब रही है नीचे, दबा रखे इसको, मैं कैसे पता करूंगा कि न्यूट्रल और ये पीला कलर का है वो शॉर्ट सर्किट है? तो इधर से तो क्या कर रखा है, देखो इसको एक दो तीन, और ये न्यूट्रल वाला है, इधर से निकाल रखे हैं। एक बार प्लायर्स में इसको साइड से करता हूं, इधर से भी मैंने अलग अलग कर रखे हैं। अब मेरे को शॉर्ट सर्किट की जांच करनी है मेगर के द्वारा, सपोज दैट, तो मैं किन्हीं दो तारों को यहां से टच कर देता हूं। किन्हीं दो तारों को, बोलो कौन कौन से तारों को करें? एक तो मैं ब्लू कर देता हूं, एक रेड वाले को कर देता हूं। ये शॉर्ट हो गए मान लो मेरे, इस तरह से मैं इनको शॉर्ट कर देता हूं, ये शॉर्ट हो गए, ठीक है? इस तरह से मेरे ये शॉर्ट होने के बाद इधर से आप इसको मिला लो। मैंने इधर से क्या कर दिया, इसको पकड़ो आप ऐसे दबा लो, मैंने क्या कर दिया, अब मुझे नहीं पता कि कौन से दो तारों को मैंने शॉर्ट कर दिया उधर से। अब यहां से मैं मेरे मान लो यहां से मेरे जमीन में दबाने के बाद, हाँ उसे दूर रखो, जमीन में दबाने के बाद ये सिरे मेरे निकल रहे हैं। इन सिरों से मैं कैसे पता करूंगा कि कौन सा वायर है वो शॉर्ट हो रहा आपस में? तो मैं क्या करूंगा, मेगर की जो प्रोब्स हैं वो एक लीड किसी भी वायर पर टच करूंगा। जैसे मान लो यहां पर टच कर दिया, मैंने लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मैं दूसरी लीड यहां लगाऊंगा और इस मेगर को यहां पुश करके देखेंगे, अगर इसकी रीडिंग इधर आती है जीरो की तरफ जाता है तो शॉर्ट होगा ये दोनों आपस में, अदरवाइज नहीं होंगे, ये तो बात है। चलो मैं दबा के देखता हूं, क्या इसका स्केल इधर गया? नहीं गया ना, स्केल गया इसका, स्केल यही है। अभी देखो मैंने एक नीले पे लगा रखा है और एक रेड पे लगा रखा है, दोनों को लगाया, इसको दबाने के बाद मेगर का जो स्केल है जीरो की तरफ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेड और ब्लू
ये दोनों वायर आपस में क्या है शॉर्ट हो रहे हैं, इधर से कर रखा ना शॉर्ट अपने, अब मान लो ये शॉर्ट कर रखा, ये पीली पे लगा दिया मैंने और एक ब्लैक वाली पे लगा दिया क्या ये दोनों भी शॉर्ट है? चेक करता हूं, दबाया, स्केल उधर नहीं गया ना इसका, इसका जो पॉइंटर है या नीडल है वो इधर नहीं जा रहा ना, इसका मतलब क्या है अपने पीले वाला और ब्लैक वाला शॉर्ट नहीं है, क्या ये दोनों शॉर्ट है? ब्लैक को तो मैं यही रखता हूं और ये रेड वाला है इसको फिक्स करता हूं, इसको दबाता हूं ये भी नहीं है आपस में शॉर्ट, इसको फिर से चेंज करता हूं, ये दोनों शॉर्ट है क्या? ब्लैक वाला और ब्लू वाला नहीं है शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट होगा वहां पर, देखे अपन को फिक्स हो गया, ये तो नीले कलर का और एक लाल कलर का क्या है आपस में शॉर्ट है, कैसे पता किया? एक प्रोब्स नीले पे लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, ठीक है, ये देखो गया नीडल इसका, सुई की सिर गई, इसका मतलब क्या है ये दोनों फेज, इसका मतलब क्या है ये दोनों फेज क्या है शॉर्ट सर्किट हो गए, पता कर सकते हैं मैं करके दौड़। इसके बाद लीकेज, लीकेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये तीन फेज हैं, इन तीनों फेजों में इनका इंसुलेशन हट करके इस आर्मरिंग से टच हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेज ये अर्थ बना रहा है? जैसे मान लो मैं इधर से देखेंगे, इधर से पीले वाले को ले लेता हूं और एक पत्ती को मैं यहां टच कर देता हूं, पीले वाले को कर दिया मैंने टच, इसको फिक्स कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, समझने के लिए, जैसे अभी अपन को यहां तो दिखा रहा हूं मैं प्रैक्टिकल में, एक पीले वाला फेज ले लिया और आर्मरिंग की एक पत्ती है उसको मैंने टच कर दिया, अब इधर से थोड़ी ना पता है मेरे को कि कौन सा फेज कौन सी पत्ती से कनेक्ट है, नहीं पता ना, तो मैं क्या करूंगा, एक तो यहां सेट कर देता हूं, कर दिया मैंने, अब दूसरा ऐसे लगाऊंगा, किसी भी पत्ती पे लगा दिया और इसको दबा के देखूंगा, नहीं हो रहा सेट, पहले तो इसको चेक कर लूंगा ये कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा, इसको सारे पर लगा करके इस तरह से चेक कर लूंगा, जहां ये जीरो की तरफ जाएगा इसका मतलब वो पत्ती अपनी क्या है लीकेज हो रही है, यानी कि वो जो वायर है उसका इंसुलेशन हट करके उस आर्मरिंग से टच हो रहा है, इधर से देखो नहीं हो रहा, अब मैं इसको चेंज कर देता हूं और इसको यहां लगा देता हूं पीले पर, लगा दिया और मेगर की दूसरी लीड इन आर्मरिंग की पत्तियों पर लगा देता, लगा दिया, अब इसको दबाता हूं मैं, देखो मेगर की तरफ, देखो मेगर क्या है अनंत से जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब देखो दूसरी इस पत्ती पर, दूसरी पत्ती पे लगा के देखता हूं क्या ये भी इसके साथ संपर्क में है, ये नहीं है, केवल ये वाली पत्ती है ना, ये वाली पत्ती क्या है अर्थ बना रही है, मतलब कि इसके साथ टच में हो रही है, इसके इंसुलेशन के साथ टच में हो रही है, ठीक है, इसके अलावा किसी भी पे नहीं दिखाएगा, देखो दूसरी पर टच करता हूं, इस पर करता हूं, नहीं इस पर तो दिखा रहा था, इस पर देखो दिखा रहा, नहीं दिखा रहा ना, मेगर की रीडिंग देखो नहीं दिखा रहा, इस तरह से अपन लीकेज सर्किट की भी जांच कर सकते हैं, मेगर के द्वारा लीकेज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट भी चेक कर सकते हैं, ओपन सर्किट का मतलब ये जो वायर है वो कहीं से टूट गया है, वो कैसे चेक करेंगे, आप लोगों का एक वायर इधर से निकलेगा और एक वायर इधर से निकलेगा, तो एक लीड तो मैं यहां लगा दूंगा ओपन सर्किट के लिए, और दूसरा जो लीड है इसी रेड वायर के इस साइड से लगा दूंगा, लगा दिया, इधर से रेड लगा दिया, बीच में से ये रेड वायर है या रेड का जो रेड कलर का जो फेज कहीं से टूटा है या नहीं टूटा है इसका पता कैसे करेंगे, अब देखो अभी तो क्या है, अगर जीरो की तरफ है मतलब सही है, अगर इसका प्रतिरोध अनंत होता तो क्या होता, ओपन होता, ठीक है, इस तरह से अपन ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लीकेज सर्किट टेस्ट पता कर सकते हैं, इंसुलेशन की जांच कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं मेगर के द्वारा, यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन यूज करने से पहले क्या सावधानी बताई थी मैंने, कभी भी दोनों लीडों को इस तरह से पकड़ करके इस पुश बटन को नहीं दबाना, अगर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है।